यूट्यूब पर आ गया था, लेकिन ये सारे जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं उन सब लोगों ने आवाज़ उठाई, वो मामला तो गया दब। अब रही आप ये कह रहे थे कि बोले भाई इतने दिन हो गए आज़ादी को, किसान सारे दुखी है, सही बात है आपके, किसानों के साथ उस हिसाब से कभी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार से ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ। तो जैसे तुमने भूख हड़ताल कर रखी और आज तुमने शास्त्री भेजे अंदर 10 आदमी गए मीटिंग बना गए, तो उम्मीद लग रही है कुछ कर का तो इसका मतलब ये है कि सामने जूस ज्यादा रोटी राटी मिल रही है। इसमें सब आम किसान है, 2 बीघा वाला भी ऐसा ही किसान है, 100 वाला भी ऐसा ही है। अच्छा, इनके हाथ में कमान है, हमारा हक है अपना लेकर, अरे माल दे रखा पैसे लेके जाएंगे। दोस्तों, शामली शुगर मिल का धरना जारी है और हर दिन जैसे मिल पदाधिकारी किसानों के साथ वार्ता करते हैं, आज भी वार्ता जारी है और वार्ता का क्या नतीजा निकलता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। किसानों का एक डेलीगेशन अंदर गया है मिल अधिकारियों और प्रशासन अधिकारियों से बात करने के लिए, अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो उन लोगों के आने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले हम लोग किसानों से मालूम कर लेते हैं कि उनका अनुमान आज की भेजी हुई मीटिंग के बारे में क्या है। क्या हाल है जी? ठीक है जी, और सुनाओ। बस जी बढ़िया, आप सुनाओ। जैसे आज डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई, एसपी भी मौजूद है मौके पे, तो आपको क्या लग रहा, कुछ उम्मीद है कि उम्मीद की किरण जागी कि हो सके कुछ? देखो जी, गए तो शास्त्री जी को जो बुलाया, एसडीएम साहब आए थे यहाँ पे, गए तो उम्मीद के लिए ही हैं कि कोई माननीय मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो वे कुछ लेकर आए हों, तो हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब किसानों का गन्ना भुगतान हो और मिल चालू हो। अगर किसी प्रकार से बात बनती है तो ठीक है, अगर वे कुछ लेकर ही नहीं आए, खाली बात ही करना है, तो बस हमारी थारी उनकी तो राम राम। हम तो जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं होने का तब तक मिल का पंजा घूमने नहीं आने का, आश्वासन से चाहे मंत्री आओ चाहे संतरी आओ कोई भी आओ, यहाँ से आश्वासन का काम नहीं चलने का जब तक किसानों की जेब में पैसा नहीं जाने का, किसानों का भुगतान संपूर्ण नहीं होने का, तब तक ये मिल नहीं चलने की। हाँ जी, वार्ता तो एक बार नहीं, 18 दिनों में तकरीबन 12 बार तो वार्ता हो चुकी, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला वार्ता का? तो देखो, वार्ता तो ये थोड़े थोड़े, कभी 25 करोड़ बतावे, कभी 30 बतावे, कभी कुछ बतावे, वार्ता हमने यो कहा अगर हमारे से कोई ठोस आपके पास पेमेंट हो तो वार्ता करने के लिए आओ। अब ये कोई दलाली थोड़ा है, या कोई यहाँ से कहा भाई 30 करोड़ में फैसला कर लो, 40 करोड़ में फैसला कर लो, ये किसानों का भुगतान का मामला है। किसान का संपूर्ण भुगतान होगा तो किसान खुश होगा, और जब किसान को कुछ मिलने का ही नहीं 25-30 करोड़ रुपये में, कोई किसानों के साथ भला कर रहे क्या ये लोग? मैं तो ये कहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये इस तरीके से अगर ये प्रदेश चला मंगे तो गड्डी चलने की नहीं, 2027 में इनके पाँव उखड़ जाएंगे। यहाँ की जनता को अगर इन्हें अपने पक्ष में करना तो जनता की जेब में कुछ घेरना पड़ेगा, उसको गन्ने का पेमेंट भी सही देना पड़ेगा, गन्ने का रेट भी सही देना पड़ेगा, और यहाँ के किसान को जो भी उसकी खाद की, बीज की, दवाई की, नहरों की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी, जब जाके यहाँ का किसान खुशहाल होगा। ये वैसे हिंदुत्व का मुद्दा जो उठा रहे हैं अकबर, हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलने का, यहाँ हिंदू भी रहेगा और मुसलमान भी रहेगा और दोनों यहाँ पर खुश रह रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने तो वो एक गाने का डायलॉग है कौन से का है कि न तू हिंदू बनेगा न तू मुसलमान बनेगा, तू इंसान है, इंसान बनेगा, यहाँ पे इंसान का बेटा है। यहाँ पे तो इंसान की और किसान की बात हो रही, इंसानियत की बात हो रही, तो यहाँ पे अगर सरकार ये चाहती है कि ये दो भाई जो आपस में हिंदू मुसलमान है आपस में भिड़ जा, तो ये राजनीति का शिकार नहीं होने के। मैं तो साफ तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कह रहा कि अपने दिमाग से अपने विवेक से अगर थोड़ी घनी भी बुद्धि बचरी हो तो सही तरीके से इस किसान का भला करने की सोचे, राजनीति से काम नहीं चलने का। क्या हाल है जी? बढ़िया जी भाई साहब, क्या उम्मीद लग रही है आज जैसे डीएम साहब ने वार्ता बुलाई, मेरे हिसाब से तकरीबन 12वीं बार आज 18 दिन में वार्ता हो रही, तो कुछ उम्मीद की किरण जाग रही है कुछ हो जाएगा? है उम्मीद, आज डीएम साहब ने, एसडीएम साहब एक डेलीगेशन लेकर गए हैं और वो जो है वार्ता चल रही और उम्मीद है आज शायद कुछ चल निकलेगा। आज तो मिल अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी एसपी साहब, कप्तान साहब भी मौजूद है, डीएम साहब भी मौजूद, कोई मंत्री बतावे आ रहे, नाम तो एसडीएम साहब ने खोला नहीं कौन है, लेकिन ये तो पता चल जाता कि शायद गन्ना मंत्री आ गए हों या कोई और हो, ये तो नहीं पता चल रहा। दिनेश कटीक मंत्री बताया जो यहाँ के प्रभारी है, अच्छा जिला के प्रभारी है भाजपा के, वो आए और शायद आज इस संबंध में हम समझे कुछ हल निकलेगा। तो दिनेश कटिंग पर कौन सा मंत्रालय है नहीं पता? वो मंत्रालय उन्होंने बताया, जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं भाजपा।
क्या लेता हूँ जी? ठीक है जी भाई। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद यह है भाई पूरा परमिट होगा घर जाएंगे, नहीं जाने के जी। और जो पुराना दिया जाने के नहीं? पक्का? बिल्कुल पक्के। अगर 100 करोड़ में जो अंदर जा रहे हैं 100 करोड़ में मान के आगे आने के नहीं मान के? अच्छा जी। हाँ मैं पता पर। आपने समझा के भेज रखे? समझे अपने खुद समझे हुए हैं वे। असली किसान? अच्छा जी। पहली बार झूठे साबित करके भेज देते उन्होंने। अरे कान्ना नहीं भेजा था दिवाली को भी नहीं भेजने के कान्ना जो हम तो पहले लेकर जिम चलेंगे अंतर थे। तो जो उनसे भूख हड़ताल पे बैठे उन्होंने तो आज अलग घोषणा कर दी कि हम तो पानी भी नहीं पीने के। पीने के ही नहीं रहे इतने पक्के हैं भाई वो आदमी। तो इस तरह तो जो है हालात खराब हो जाएगी उनकी। भाई खराब हो चाहे बढ़िया हो तो पक्के आदमी है इस काम मतलब। अच्छा जी। हाँ क्या है जी ताऊ जी? भाई ठीक है हम तो स्वस्थ है बिल्कुल। और वो जो आपके भाई भूख हड़ताल पे बैठे हुए पानी भी नहीं पीने के तो स्वस्थ रहने के? वे तो इतना नहीं मिले प्यूरा पैसा इतना वे स्वस्थ रहो जाएंगे पिए नहीं पानी। नहीं जब मैं पानी भी नहीं पीने के खाना नहीं खाने के स्वस्थ। अरे उनमें तो जान इतनी एक बिना भी नहीं परेशानी आती उन्हें कुछ जी। मैं ताऊ है खाली पेट बीड़ी लग रही थी। वो ताऊ ने पुराने जमाने का पी रखा रहा सा उसमें तो हमारे तो भी ज्यादा कैपेसिटी। अच्छा जी। हाँ वो तो बहुत ऊंची चीज है। नहीं खाली पेट तो बीड़ी पीनी नहीं। नहीं वो नहीं पीता भी वो बीड़ी बाड़ी सारी पी ले उसका कुछ जोखू नहीं। अच्छा जैसे आज डीएम साहब ने वार्ता बुलाई क्या उम्मीद लग रही आपने? हमें तो उम्मीद न लग रही सारे पी से ब्याज सीधा देंगे और हाथ जोड़ेंगे हमारे आगे किसानों हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे भाई देखे हमारे हमें बख्शो। अच्छा जी। हमने नहीं ऐसा वो देखा था इन्होंने वहाँ होंगे के खतौली साइड के देखे किसान यंग के किसान नहीं देखे। अच्छा जी। यंग के किसान तो बहुत संगठित किसान है 36 बिरादरी किसानों की है और एक हल्ले में 36 बिरादरी चढ़ जाए यहाँ तो। तो इसका उम्मीद ये है कि आज बिल्कुल ले गए आएंगे। बिल्कुल उम्मीद है ये है बताओ बताओ ये भूख हड़ताल पे बैठे हर पानी भी नहीं पीने के वो घर का बर्बाद पानी नहीं छोड़ना और खाली जो थम बीड़ी पी रहे मुझे तो इस चीज की दिक्कत है तब दिक्कत हो जाएगी। मुझे तो बीड़ी पी ना मेरा गुजारा ही नहीं रोटी ना मिलो कभी भी बीड़ी चाह गई बीड़ी रोट चाह गई वो तो लुख का काम करे इसके। अच्छा जी। डॉक्टर ही है बीड़ी डॉक्टर दवाई का काम करे दवा काम करे पूरा 80-100% है। अच्छा जी। और दिखे बेचा तो जैसे तुमने भूख हड़ताल कर रखी और आज तुमने शास्त्री भेजे अंदर 10 आदमी गए मीटिंग बना गए तो उम्मीद लग रही है कुछ कर काम तो इसका मतलब ये है कि सामने जूस ज्यादा रोटी राटी मिल रही है फिर तो सामने मुझे नहीं मान देंगे फिर तो लूंगा। अच्छा जी जो खुल गया था। अच्छा वो क्या ही सारा सब बता रहे कुछ वो भाई। अच्छा भाई इसका मतलब बड़ा भी लूंगा बड़ा। अच्छा जी तैयारी चल रही बात तैयारी पूरी चलो क्या है जी? अजी ठीक है आप बताओ बताऊँ काम ही कम चमेंटे तेरे मुझे लगते कुछ हो जाएगा। अरे ना ना ये तो दिल जलो क्या जलो दिल जलो काम नहीं फूक कर आखने कहते मुख्यमंत्री नाम हम जो है पगड़ी नहीं ले रहे ना नेता बने हम धरती का खा गए राष्ट्र भगत है राष्ट्र भगत की पगड़ी है सिर पे ये जो लोहा है ना लोहा ये लोहा का लोहा रह जाएगा किसानों का पूरा भुगतान है ब्याज ना आया देखते ये तो फिर भी अगर भुगतान आएगा जब बिलो ही रहेगा नहीं लोहा तो रहेगा खुबाड़ी वाला हिसाब है ना अब तो फिर तो काम आ जाएगा अगर चल पड़ा फिर तो काम आ गया चलती गाड़ी खड़ी ईंधन चलती गाड़ी खड़ा ईंधन ये ईंधन हो जाएगा। समस्या है किसान जो है आज अब शामली का अपने पैरों खड़ा होया अपने पैरों खड़ा किसी नेता किसी मंत्री किसी चौधरी किसी का कोई नहीं है अपने बलबूते पे अपना पैसा और ब्याज मांग रहा इसमें हरकत क्या हो रही इब तो पहले भी आए थे खान खतर ये लोग नहीं मानने मैं भी जो थोड़ी बार पहले 150 करोड़ रुपये का होता किसान बोले नहीं पूरा 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 मैं कहना देखे छत्तेंगे भी ये छत्तेंगे भी मैं बोला जो कदम चाहूँगा नो होगा भाई ये किसान है अगर किसान को कोई धोखा दे रहा 1947 के बाद में किसान तो सड़क पे है अरे दिल्ली लखनऊ रसमलाई खा रही यू बहुत बड़ा दुर्भाग्य इन किसानों का है। तो ये तो वो जो हरियाणा में गाना गाया था जो उड्डा कौन है उसने कहा था ये दिल्ली में बैठे किसान ने नोच खा के वही काम हो रहा हकीकत है हकीकत है अगर किसान एक किसान का हरवा करने लगे अगर बराबर में किसान जा रहा और उस किसान पर जो लाठी बज रही या उसे छेद रहा कोई और दूसरा किसान पकड़े उन्होंने कहा ए पीछे हट हमारे किसान का हाथ क्यों लग रहा इस तरफ ठहरी फौज नहीं भारत में तो रात तो नहीं कुछ गड़बड़ हुई कल शास्त्री कर रहे थे। अरे नहीं कुकर हो जाएगी वो तो एक किस्म की कहने की बात थी कौन छूदगा ये सारे चलो मेरे अकेला सांझ को छुआ दे तू मुझे अगर छुआ दे मुझे अगर यहाँ से कोई एक भी किसान के अंगली लगे जी यू
यूं केला रहेगा हाँ। कोई भी मारा जक्कत जक्कत केला रह जाएगा यहाँ लखा तो दियो कोई लखा तो दियो आदमी छोटा बात बड़ी कर रहा हाँ। ये आदमी छोटा बात बहुत इरादे कर रहा है तो पांच फुट के करीब है छोटा और छोटा ही तो है दिखाई से देखेगा पर एक बात है सुन ले जितना भी ऊपर है जो उससे दूर तले अच्छा जी हाँ यूं बोल रहा अंदर तक जानो अभी नहीं बचपन तक जाओ बचपन का यार छोटा सा था जी भी जी छोटा सा जी छोटा सा था जी तक जाओ बस ऐसे लंगोटिया यार है बचपन का अरे जक्कत है क्या हाल है जी बढ़िया जी बढ़िया क्या उम्मीद लग रही है आज देखो कुछ ना कुछ तो समाधान होगा जा रही मीटिंग जा रही है अंदर कुछ ना कुछ तो समाधान लग रहा होगा तो आज 19वें दिन भी कुछ ना कुछ की ही उम्मीद है बस जब तक आने के नहीं बता देगी ऐसे कैसे पूर्ण मैं कह दूं भाई वो होगा कुछ ना कुछ तो मतलब कोई बात तो सोल्यूशन पर आएगी ना आएगी सोल्यूशन पर आज जैसे जिले के बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे लेके आने की नहीं और मैंने कहा कोई बात बनेगी मैं ये नहीं कहा लेके चरणों में किसानों के ये बड़ी बड़ी बात तो मेरे से आती नहीं लेकिन मैं इतनी सीधी बात कह रहा कि किसी भी चीज का मसला बातों से ही हल हो ये हम जाए ना वे आए ना हम जाए ना वे आए ना तो सोल्यूशन तो बातों से ही निकले अग निकले पर मैं यहाँ छाती पीटा लगू नू हो जाएगा मेरे के बस का है ये तो बैठेंगे वार्ता होगी कई दौर चले वार्ताओं के और कुछ ना कुछ हल होगा ही ये तो बैठकों पर बैठकें रहेंगी दौर वार्ताओं के दौर चलेंगे उसके बाद ही यही नहीं पता चलेगा कि भाई मेरे मन में क्या तेरे मन में क्या तो क्या हल निकालेगा मिलने के बाद ही तो पता चलेगा देखो जा रहे तो पीठ पीछे क्या हो रहा है तो उसका थोड़ा ही पता चलेगा बस वो देखो क्या हो रहा है क्या होगा आएगा बताएंगे त्रिवेणी ग्रुप अभी जो है डला नहीं है डलेगा आहिस्ता आहिस्ता नहीं त्रिवेणी ग्रुप को ढलना पड़ेगा उसने कहीं के लिए पैसा लगाया जी जी कहीं के लिए लगाया जी बताओ तो इतना टाइम क्यों लगा रहा हो जब उसे देना ही देना दे देता भाई कुछ हो पैंच ऐसे फंसे रहे हैं कुछ पैंच है कुछ बातें हैं शायद वो समझ जाए उस बात को तो उसका हल कर ले भाई हर चीज को ना इतने जल्दी तो आने के वो भी नहीं हमें समझा हम भी नहीं उसे समझ रहे अगर वो समझ जाएगा इस बात को भाई क्या किसानों की परेशानी है क्या दिक्कत आ रही तो समझने की कोशिश कर समझा पकत रहे थे समझा तो बहुत बढ़िया बात है किसान उसका साथ देंगे अब से पहले नहीं चली फैक्ट्री है बहुत बढ़िया एशिया की नंबर एक फैक्ट्री थी है और वो भी पहले यहाँ जो मालिक था वो नहीं भी देता तो हाथ जोड़ कर कहता था कि भाई है नहीं चलवा दो मदद करो तो चल जाती किसान मान जाते ये क्रांतिकारी धरती है शाम और इब तू दिखाना करके सोचेगा कि भाई चला दूँ एक तो 10 रुपये किसी के और उसी को मैं ऐड दिखाऊँ दिखाना करूँ उसकी गैल तो भाई लिपटेगा वो तो लिपटेगा कि नहीं लिपटा तो यही बात है क्या हाल है जी ताऊ जी बढ़िया है भाई हाल तो क्या उम्मीद लग रही है आज लग रही कुछ किरण उम्मीद कुछ पता नहीं है सारे दलाल हैं आपको भरोसा नहीं ऊपर जितने बैठे सब कोई आ जाओ हैड आ जाओ पैड आ जाओ साइड आ जाओ सब दलाल हैं जी और ऊपर लो मुझे तो लगते जाते भी नहीं होगी ये बात जिन्हें जिन्हें ये काम करवाना वहाँ तो ये कुछ और ही रिपोर्ट दे देते होंगे अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा कई साल हो लिया 14 दिन में पेमेंट होता तो नहीं सुप्रीम कोर्ट भी बारह नहीं उसे पता नहीं लगता स्वयं संज्ञान ले लिया था इसका वो क्या होया था दिल्ली में वो होया था कि धरना अगर यहाँ भी स्वयं संज्ञान ले लें यहाँ भी स्वयं संज्ञान ले लें सुप्रीम कोर्ट या गृह मंत्री का लो चली जाए वीडियो वो देखा कि हो रहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो एक दिन का काम नहीं है यू एक दिन का भी काम और यहाँ बेचारी गरीब जनता फिर भागी प्रधानमंत्री जी भी नु कहते कहने सारी व्यवस्था जो है इन्हें 60 साल दिए मुझे 60 महीने दे दो ये भी तो 3 योजना होली हालत जुगे तो है सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने अपनी किताब में लिखा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज़ नॉट इनफेलिबल कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा ज़रूर है लेकिन ऐसा तो नहीं कि उससे गलती ना हो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया और उसके बावजूद भी ये पूंजीपति लोग पूंजीवादी लोग नहीं मान रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ बड़ा एक्शन ले लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ गृह मंत्री को लेना चाहिए बड़ा एक्शन मगर गृह मंत्री तो बात ही नहीं हो जाती पावर तो गृह मंत्री के पास है देश में सब जगह निगाह भी उसकी है हर जगह नज़र है उसकी जो गृह सचिव हो उसकी नज़र पूरे देश पर होती है उसको यहाँ भी अपनी एक नज़र दृष्टि रखनी चाह यह हो क्यों रहा कौन दलाल इनमें घुस रहे क्यों गरीब जनता को छोटे छोटे किसान है बेचारे 15 बीघा 20 बीघा कहाँ था होगा उनका तुम्हें फिर धक्कम धक्के इनमें भी जो मजबूत है तुम्हें भी अभी अपने घर लुटे बेचारे गरीब आदमी फिर अपना धक्कम मेरे पीछे मेरे पीछे मेरे पीछे दुआड़ी आएगी फुलाना तो आ रहा है ढिमका तो आ रहा है मुझे तो ऐसा लगा कि भारत में 1947 से लेकर आज तक जिसकी भी सरकार रही किसान नीति ने तो अपनी हस्ते से कराई किसान नीति तो आई नहीं लेकिन किसी भी सरकार ने किसान हित में कोई काम नहीं करा नहीं नहीं इवलो कोई नहीं करा ये शाम लिखे हैं एक लाला जी उसका नाम है जी उनका लंबरदार कहते रहे जी ने पंपे वाला हाँ पिछला साल है ट्रोली मारी वहाँ लगी पर दुपहरी की बात
तो उनके बाहर आ गए, घर से दूध ठंडा ये उन्होंने पूरी सेवा करी। उन्होंने कहा बुढ़ा हो रहा हो, कोई नहीं और घर में। कहने लगे मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार आ जाए किसानों की हालत को सुधार देगी। लाला जी है बहुत बढ़िया आदमी है, लंबरदार है, शामली में लंबरदार के नाम से प्रसिद्ध है। तो नुकह रहते कोई सी भी सरकार आ जाओ, कोई किसानों का छोटे किसानों का कोई नहीं, यहाँ तो वही काम चलता रहेगा, बड़ी मछली छोटी को दर्द हो जाएगी। जो व्यवस्था उसकी है, जीव है कुछ भी, कोई सा भी क्या जीव, जल का जीव है या वैसा हो, छोटा बड़े को टिंगड़ रहा। नहीं, एक फलोस पर गुजरे अरस्तु, उन्होंने कहा था कि अमीर आदमियों के लिए तो कानून भी जो है मकड़ी का जाला है और गरीब जो है मकड़ी है या एक छोटा सा परिंदा उसमें फंसा खड़ा रहे। तो हमें तो ऐसे ही लग रहा कि ये अमीर लोग है ना, इनके लिए कुछ कानून है, चाहे सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कोई ऑर्डर जारी कर दो या इनके ऊपर गृह सचिव कोई ऑर्डर जारी कर दो, तो किसी ने मानते ही नहीं। नहीं, मैं तो अगर मैं तो खैर पावर है, अगर सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय अगर उनके संज्ञान में कोई बात जार में आ करना चाहूँ, उनके लिए एक घंटा भी काफ़ी हो किसी भी काम के लिए। जी जी, एक घंटा तो बहुत बड़ी बात है, पाँच मिनट में गेम बदलना। मुझे तो ऐसा लग रहा है उन तक ये बात पहुंचती ही नहीं, तो इसकी वजह क्या है कि उन तक यहाँ बनू जा रोज आ रही, बहुत सारे मीडिया आ रहे, मुझे लगता कोई वीडियो मान लो जा रही है। देश का जो बड़ा मीडिया है जिसे कुछ नेता दलाल मीडिया भी कह रहे, वो तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। नेशनल मीडिया आते नहीं यहाँ, नहीं नेशनल मीडिया आओ, जो रजत शर्मा है आओ एक दिन में जो है हिलागा सिस्टम। नेता वाली बात होता, मैं चौधरी चरण सिंह था, चौधरी चरण सिंह तो मैन आदमी था, मैन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदमी प्रधानमंत्री भी बने था। माया कांड हुआ था बागपत में, और माया कांड क्या होगा हरकत होगी थी वह, तो वो बोला भाई वो कांड हो गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हम माया था की कांड 12 बजे तक पहले इंदिरा गांधी आ गया, नहीं बागपत नहीं पावे ढूंढा भी, तो वहाँ इंदिरा गांधी आ गई थी। वेते नेता जिनकी जवान बदम था, अगर मंत्री संतरी है किसी ने कहते जी आपको तो मंत्री पर छूट गया, गड्डी भी छोड़ दी उनकी। वे कहते मेरे भोले किसान एक नहीं अपने लंबर पर दिल्ली गद्दार है, अरे गद्दार बना दिए इन किसानों ने, किसान एकता अगर बन जाने जो कसामली बन ही गया, आज का किसान अपने पोहों पर खड़ा हो गया, अरे अपना हक मांगन आ गया, यहाँ कोई नेता मंत्री संतरी नहीं कुछ भी। अगर ऐसे एक किसान दूसरे की सहायता करे, ये भाई के लो अत्याचार हो रहा मैं जान दे दूँ, ये भाई के लो हो रहा दूसरा देता है, जब तक एक आपस में जैसा मास्टर ग्रुप है, पुलिस ग्रुप है, एसपी ग्रुप है, डीएम ग्रुप है, जैसे नेताओं का ग्रुप है, नेता अगर इनकी फंड पिलसन बने फट में छेद दे। 60 साल बुढ़े है ये काम में पड़े, इनकी 1000 रुपये पिलसन नहीं बन सकती। मैं तो उनको जितने 60 साल बुढ़े क्या कह रहे थे जी मीडिया के बारे में, कौन सी मीडिया के बारे में, नेशनल मीडिया जो बड़ा मीडिया है देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहे हैं चल लोग है जी, गोदी मीडिया बोल रहे हैं उसने। हाँ, लेकिन गोदी मीडिया तो जो है खबर दिखाती नहीं किसानों की, तो किसान की, मजदूर की, मजलूम की, मजबूर की, गोदी मीडिया तो खबर दिखाता ही नहीं। वो जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनकी दिखावे, हमारी थारी कहाँ दिखाओगे। और अगर कुछ दिनों में इस पर पाबंदी लगा ली जिस तरह हमारे बाकी लोकल की वीडियो बनाकर डाल दे, फिर क्या करोगे, तो फिर तो हमारे पर कोई माध्यम नहीं रहने का, तो माध्यम फेसबुक ने तो खत्म ही कर दिया। फेसबुक पे तो ऐसी चीज रीच ही नहीं करती कि अगर आप लोकल की न्यूज बना के डाल लो और वो आगे बढ़ जा, फेसबुक ने तो खत्म कर दिया। अब यूट्यूब बज रहा आपके पास आखिरी चीज, अब ये पता नहीं कब लो रहेगा यूट्यूब भी जो है बज रहा भी, इस पर पता नहीं कर जूरा फिर जा यूट्यूब पर आ गया था, लेकिन ये सारे जो अच्छे अच्छे पत्रकार है उन सब लोगों ने आवाज उठाई, वो मामला तो गया दब। अब रही आप ये कह रहे थे कि बोले भाई इतने दिन हो गए आजादी को, किसान सारे दुखी है, सही बात है आपके, किसानों के साथ उस हिसाब से कभी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार से ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ जी। पहले यहाँ से रह जाए 13 महीने इस सरकार में, तो मोदी जी ने भी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। हाँ तो कर तो दी, फिर तो रहे यहाँ से सारे, कोई अच्छे दिन नहीं दिख रहे आपको, कितने अच्छे दिन दिख रहे, किसी को रोटी खाने को पैसा नहीं मिल रहा, किसी की फीस नहीं जा रही, अच्छा उनका जिक्र ही करा, अच्छे दिन तो सबको दिख रहे हैं, रोजाना अपना खेत देखे यहाँ से देखे, पर ये गलत जगह आ गए, ये लोग गलत जगह आ गए, गलत लोगों से पंगा ले लिया ना, पहले उन्हें भी मानना पड़ा था, इन्हें भी मानना पड़ेगी। रही उसकी कहीं ना कहीं ऊपर जरूर कुछ ना कुछ बात चल रही है, जो मतलब ये थोड़ा बहुत ये कर भी रहे हैं मैं बताऊं आपको, और फिर ये किसान देख रहे हैं सबको चारों तरफ को, सबको दिखा है अपना पंडा छुड़ाना, सबको दिखा है किस तरीके से पंडा छुड़ा लो, और नहीं तो भाई बिना दाब के तो नारस लिखड़ा, सबको पता है ये सब लोग अगर एक नहीं रहते तो कोई नहीं आता बुलाना, कोई कुछ भी नहीं करता। शास्त्री जी बहुत ईमानदार आदमी, डेड ऑनेस्ट आदमी है, नेत्र तो सही आदमी का हाथ में है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि भला आदमी है, मेहनत कर रहा, शास्त्री ईमानदार आदमी है। लगा भाई ये तो वे लोग है जो यहाँ बैठे जी, औरंगजेब 5000 की फौज लेकर था जी,
हैदराबाद के निजाम थे, वे किसी पर पता नहीं हुए थे और ये 5,000 ही पता करी आए थे, पर इन्होंने कहा था इनकी एक शर्त थी, कह लगे बहुत जो जमीन रहेगी ना माँ की वह मरी रहेगी, उन्होंने कहा था मर तेरी शर्त पक्की और तो इन्होंने पता करी थी और वे मई बच गए थे। यह तो किसान बिरादरी तो ऐसी बिरादरी है या तो मारती कौम है। आज किसान से ज्यादा मेहनत तो दुनिया में कोई करता ही नहीं, ये इतना मेहनती है कि ये तो ऐसे लोग ऐसे शासन प्रशासन और मिल मालिकान हट धर्मिता पायक है इनका शोषण कर रहे, तो किसान कहाँ जा। हमारे जिले में जो है 1 एकड़ का किसान का औसत है, औसत जो है 6 बीघे का किसान है हमारे यहाँ, 6 बीघे के किसान के जो पैसे थे हाथ हम के एक्स्ट्रा कोई आमदनी नहीं है, कहाँ से अपना घर चलावे, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाऊगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है आज की स्थिति में, गवर्नमेंट यह चाहती है इनके बच्चे पढ़ना पढ़ लिख के कानून जान जाएंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन में एडजस्ट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट यह चाहती है इनके बच्चे यहीं रहे, तो यही तो पॉलिसी है। अनपढ़ आदमी मूर्ख समान होता है, अनपढ़ तो हमारे बड़े जो कहते थे मिसाल देख रहे थे, अनपढ़ तो कदे की बराबर हो जाए। शिक्षा ही डेवलपमेंट करती है, शिक्षा से एक काम हो रहा है, अगर आपको तरक्की, जिस वर्ग से हम आते हैं किसान वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग होता है, कोई फैक्ट्री मालिक का तो हम पैदा हो नहीं रहे, हम कोई 10 बीघा किसान है, कोई 20 बीघा का किसान है और हमारा पैसा जो है घटती का है। आज मेरे पास 10 बीघे जमीन है, मेरे 2 लड़के हो गए, 5-5 बीघे रहेगी, उस 5 वाले को भी ट्रैक्टर चाहगा, 100 वाले को भी चाहगा, अच्छा मेरी उसकी क्षमता नहीं रहती वो ट्रैक्टर ले ले, वो बुग्गी मिल ले सकता, तो हमारा तो पैसा है घटती का हमेशा, कभी कभी का ठल है, पूंजीपति का जो है बढ़ती का हो। आज एक फैक्ट्री है उसका 2 लड़के हो गए, 2 और लगा 3 फैक्ट्री होगी, 3 गुना बढ़ गया, मारा जो है 1/2 हो गया, तुम इसका तो कोई सुध लेने वाला, 3 आदमी ने ऐसे की सुध ली आज लोग। सबसे पहला फर्स्ट नाम तो है सर छोटू राम का, जमींदार तो बना गया हमें, उसके बाद सरे जाता है चौधरी चरण सिंह को, वो जमींदार बना गया हमें, अच्छा तीसरा सरे जाता है लाल बहादुर शास्त्री को और चौथा सरे जाता है श्री अजीत सिंह को। अच्छा रही बात दूसरी जयंत चौधरी की, ये भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा, लेकिन उस पोजीशन में नहीं है अभी, एक मतलब दाब दे के कह सके, अगर ये बैलेंस में होता तो सारे काम होते, हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ, तो यह बात है। अच्छा कुछ जो है विपक्ष के लोग टीका टिप्पणी करते हैं, ये टीका टिप्पणी बहुत गलत है। अच्छा रही हमारे ये क्या नाम खाप चौधरी, ये हमारे नायक है, इनके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए मैं, गलतियाँ इंसान से होती है, गलती भगवान पर नहीं होती, इंसान तो गलती का पुतला है, 1 पॉइंट हवे उसमें भी गलती करेगा दूसरे में भी करेगा, तो यह बात है। तो किसान जो है किसान की कोई सुध लेने वाले, और यू राज धरना, यू किसान मंच है, यू राजनीतिक मंच नहीं है, इसमें सब आम किसान है, 2 बीघा भी ऐसा ही किसान है, 100 वाला भी ऐसा ही है, अच्छा इनके हाथ में कमान है, हमारा हक है अपना लेके, अरे माल दे रखा पैसे लेके जाएंगे। हाँ तो भाई किसान जो है यहाँ इस चीज़ पे अड़िग बैठे हैं कि जब तक हमारा पूर्ण भुगतान विद ब्याज नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इन 18 दिनों में तकरीबन 12 वार्ताएं मिल अधिकारियों के साथ हो चुकी है, अब तक किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला है, आज भी वार्ता जारी है। हम यहाँ किसानों की बाइट ले रहे थे, इसके बाद जो डेलीगेशन अंदर से आएगा उनकी हम बाइट लेकर आपको बताएंगे कि अंदर क्या बातें हुई। जुड़े रहे आप हमारे साथ, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगती है। जय हिंद, जय भारत।